देखिए आज जैसे कुछ लोग वहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, उनकी मंशा है कि हम डिस्प्यूट क्रिएट करें, डिस्प्यूट आगे से आगे बढ़ता जाए, पर मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से एक बात ये पूछना चाहता हूँ और उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जब वो कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है तो उसमें मेरिट क्या है, किस मेरिट पर डिस्प्यूट क्रिएट किया जा रहा है। आज चलिए प्रशासन कह रहा है कि आप हफ्ते के लिए काम बंद कर दीजिए, ठीक है हम मान रहे हैं हम हफ्ते के लिए काम बंद कर देंगे, हफ्ते बाद क्या गारंटी है कि फिर वहाँ पर वो डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं कर रहे, एक बार भी हमारी साइड से कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हो कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर वहाँ पर आए दिन हमारे ऑपरेटर को, काम करने वालों को डरा रहे हैं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, दराट दराटी लेके लोग आ रहे हैं, तो वो किसके लिए आ रहे हैं? वो अपना राइट मानते हैं, ठीक है मैं मानते हैं, हम भी बोल रहे हैं ठीक आप चलो ठीक हो, पर आप लीगली उसको लड़ो। अगर मान लीजिए पटे की बात करता है कोई, तो पटा रेगुलराइज हमने नहीं किया, हमारे से पहले हुआ किया डीसी साहब ने, उसकी अलग लिमिटेशन है, उन्होंने किया। माइनिंग हम करने गए तो हमारे को परमिशन दी एसडीएम साहब ने, एसडीएम कुल्लू ने ही दी, उसकी भी मैं आपको जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन दे दूंगा। डीमार्केशन लगभग अगर मैं अपनी याददाश्त से बोलूँ 7 से 8 बार डीमार्केशन हो चुकी है लैंड की, क्योंकि आपको पता है माइनिंग का जब भी काम चलेगा बिना डीमार्केटेड लैंड के तो काम नहीं चलता है। कि कोई अगर आपने कहीं ऐसा सुना हो कि हाँ जी बिना डीमार्केटेड लैंड के पटा भी रेगुलराइज हो गया, माइनिंग का काम भी चल पड़ा। आज जो लोग यहाँ आए हैं, ये सब लोग जितने आए हैं इनका जुड़ा है रोजगार उससे। अब हमारे पास हम क्रेशर चला रहे हैं, खनन वैसे शब्द होता है खनन, हम इलीगल माइनिंग नहीं करते, लीगल माइनिंग करते हैं, पर हमारे को भी उसी तकड़ी में बराबर रखे जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ मेरे भाई साहब है, इन्होंने अपने टिप्पर की किस्त देनी है, कहाँ से देंगे? जब क्रेशर चलेगा तब देंगे। और इसमें यहाँ से जितने लोग आए हैं ये सारे स्थायी निवासी हैं, कोई बाहर का नहीं है, सारे बजौरा पंचायत के हैं। एक हमारा क्रेशर बजौरा में है, एक टकोली में है। अब हम उन लोगों को क्या बोलेंगे जहाँ पर खड़ा हो गया? अब वो क्या कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग सड़क पर बैठ जा रहे हैं, 10-20 लोग आके सड़क पर बैठेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिए हैं, पर कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया है कि वहाँ पर कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, पर फिर भी इसके आगे झुक रहे हैं। तो आज पहली बार हमने ये यहाँ देखा है, ये मेरे ख्याल हिंदुस्तान में पूरे पहली बार हुआ होगा कि जो लीगली काम कर रहा है, जो अपना टैक्स पेयर है उसको रोका जा रहा है काम करने से, और जो ब्लैकमेलर है, जो हरास कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है कि हम हरास करें, उनको सपोर्ट की जा रही है, जिस भी कारण से की जा रही है। जब हमारा काम रोक दिया तो उनके लिए सपोर्ट ही है, जो भी ये रीज़न बोले, ये हफ्ते के लिए भी बोले तो हफ्ता भी आपने उनको सपोर्ट किया। हम कागज़ों के साथ ही दे रहे हैं, अगर मेरे पास किसी एक कागज़ में कोई कमी होती मैं हफ्ता क्या काम ही छोड़ देता, मैं नहीं करता, तो ये बात मानी जाती, पर ये अनएक्सेप्टेबल है ना थोड़ा सा। अब आपने कोई कागज़ बना लिए, फिर उसके बाद आपको कह रहे हैं कि अब आप काम मत करो, आपने नहीं बनाने थे कागज़। जिस दिन हमारी रजिस्ट्री हो रही थी उस दिन कहना था डीसी साहब ने, तहसीलदार ने, कि ये पट्टा गलत है, इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी, हम भी नहीं खरीदते। स्टैनी रोड पे मैनिंग है, जिसकी जमीन का मालिक भी मैं हूँ और लीज भी हुई है हमारी सरकार से, सारी अनुमति ली हुई हमने, सारी परमिशन है हमारे पास, पर वहाँ पे कुछ आदमी, चंद आदमी, उन्होंने वहाँ पे हमारे को ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। पहले 4-5 आदमी थे, 8-10 हो गए, के लोगों को भी इन्होंने काफ़ी भड़काया और लोगों को पता नहीं वहाँ पे। यहाँ जितने भी आदमी आए हैं ये वहीं के हैं और ये लोग रोजगार वाले हैं, जो टिप्पर चलाते हैं, जिनके माइनिंग के साथ टिप्परों का रिलेटेड है सारा काम। और पंचायत प्रधान जी आए हुए हैं हमारे साथ, दोनों पंचायतों के हैं, और ये सारा काम जो ये करने वाले हैं, सिर्फ इन लोगों का था कि किसी ना किसी तरह से, पहले मेरे को बोलते रहे कि ये ज़मीन हमें बेच दो, वापस हमें बेच दो, हम इसे माइनिंग खुद करेंगे। बाद में इन्होंने कह दिया कि 100 टिप्पर हमें डाल के दो। मैंने कहा ना मैं कोई अनिकल पैसा दूंगा, ना मेरे को पैसा देने की कोई ज़रूरत है, मेरे पास पेपर फॉर्मेलिटी पूरी है। कोर्ट का भी फैसला, हाई कोर्ट का भी, 2 बार इन्होंने हाई कोर्ट में गए हैं, दोनों बार इन्होंने केस वहाँ पे जब डिसमिस लगा होने तो उनके वकीलों ने अपना विड्रॉल किया है, वहाँ पे भी 2 बार हो चुका है। लोअर कोर्ट ने इनको आने के लिए यहाँ स्टे किया है, स्टे के बावजूद भी ये लोग कल हमारी गाड़ियाँ रोकने, तोड़ने, बोड़ने के लिए लग गए, रास्ते बंद कर दिए इन्होंने। तो इस तरह से गुंडागिरी कर रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े सारे आदमी, सब कोई भी सारे आदमी गाड़ी वाले हैं, काम करने वाले हैं, जैसे यहाँ खड़े हैं कुछ आदमी, ये अपना वहाँ पे काम कर रहे हैं माइनिंग का, तो ये सारे रोजगार वाले, रोजगार चाहिए जिनको, कम से कम भी कोई 200 परिवार जो है इस रोजगार से जुड़े हुए हैं।
कुछ चंद आदमियों की वजह से ये लोग हमारा सारा रोजगार खराब कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा रोजगार ना छीनो। डीसी साहब ने बोला कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, आपके पेपर भी पूरे हैं, आपकी लीज भी ठीक है, हमें कुछ इंक्वायरी करनी है। जो कंप्लेंट दे रहे हैं लोग, कोई प्रेशर करा रहे हैं इधर उधर से, तो पहले मैंने इंक्वायरी करनी है। इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है कि 7 दिन में हम इंक्वायरी क्लोज कर देंगे। अब जैसे देखते हैं अगला क्या होगा, कैसे करते हैं। 7 दिन बाद अगर नहीं हुआ तो 7 दिन बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे। हम तो ये कह रहे हैं शांतिपूर्वक करेंगे, हम जो भी करेंगे। कानून कोर्ट में ये दोनों दो दो बार तीन तीन बार हार चुके हैं। मेरे को पटे की कोई नॉलेज नहीं है, मैंने रजिस्ट्री कराई है। अगर पटा रेगुलाइज हुआ है तो वो भी डीसी साहब के माध्यम से हुआ है। अगर रजिस्ट्री हुई है मेरी तो तहसीलदार साहब ने रजिस्ट्री की है, इंतकाल हुआ है, उसके बावजूद 4-5 बार ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुई हैं, 4-5 बार ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुई हैं। उस कमेटी के चेयरमैन SGM साहब होते हैं और मैनिंग की EIA तक सारी परमिशन हमने ले रखी हैं, तो उसकी निशानदेही का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये कह रहे हैं कि पटा, तो पटे की नॉलेज मेरे को नहीं है। पटा तो कोर्ट में हमने लगाए थे, हाई कोर्ट में लगाए हुए पटे, और दो पटे थे, दोनों पटे हाई कोर्ट में लगाए थे। अगर ऐसा होता कोई तो कोर्ट में चैलेंज हो जाता।